हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडमिराज जीएस क्लासेस में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको अपने यूपी SSC पैट 2022 परीक्षा जो आपकी अक्टूबर में महीने में होने वाली है उसका हमने जीएस का जो बैच आपके लिए प्लान किया था उसको मैंने आपके सामने रखा था, आपको उसकी सारी डिटेल बताई थी। आप उस वीडियो को पिछली वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको हमारा प्लान पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों आज की वीडियो से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को प्रारंभ कर रहे हैं। आज ज्योग्राफी का पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक बार मैं सिलेबस जो ज्योग्राफी का है आपके इस एग्ज़ाम का उसको आपको डिस्कस कर दूँ। देखिए इसमें हम भारत और विश्व भूगोल में अगर बात करें तो इसमें देखिए इसमें आपको होगा नदियाँ के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है, और जल संसाधन के बारे में आपको अध्ययन करना है, पहाड़ और हिमनद के विषय में आपको अध्ययन करना है, वहीं रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र यानी डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज के विषय में आपको अध्ययन करना है, वहीं फॉरेस्ट, ठीक है, और मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधनों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से भी आपको कुछ फैक्ट्स को अच्छे से कवर करना होगा। वो सारा सब कुछ आपको यहीं कवर कराया जाएगा इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर। बस आपको रेगुलरली चैनल पर बने रहना है और अच्छे से लग जाना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। देखिए और इसके बाद रह जाता है यहाँ पे क्लाइमेट यानी कि जलवायु से संबंधित मुद्दों को आपका अध्ययन कराया जाएगा, वहीं टाइम जोन, ठीक है, और डेमोग्राफिक एंड माइग्रेशन यानी जनसांख्यिकी और आपको माइग्रेशन संबंधित चीज़ें कवर, सारा यहाँ पे ज्योग्राफी का ये सिलेबस है, ये सब आपको कवर कराया जाएगा। सब्जेक्ट्स को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, तो पहले मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट उठाया है आपके लिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर का ज्योग्राफी का सेगमेंट रहता है आपका इस एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम आज नदियों से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय नदी तंत्र यानी इंडियन रिवर सिस्टम। तो भारत की जो जो प्रमुख नदी तंत्र हैं उनके बारे में आने वाली 2-4 वीडियो में अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ ना हो, ठीक है। छोटी छोटी आपको वीडियोस रहेंगी ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ इनको पढ़ पाएँ। बस आप रेगुलरिटी से बने रहिए, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों इसमें हम नदी तंत्र के विषय में बात करें तो आपको मैप में सामने दिख रहा होगा कि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इन्हीं नदियों को विभाजित किया जाता है, उन्हीं के आधार पर नदी तंत्र में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो इसमें दो तरह से हम बांट सकते हैं। देखिए हमारे दोनों तरफ हम जानते हैं, बाईं तरफ अरब सागर है और दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो इनके आधार पर अगर हम देखें तो दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है। ये एक आधार हो गया नदी तंत्र को विभाजित करने का। जो दूसरा आधार है दोस्तों वो आधार ये हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, इसे हिमालयी नदी तंत्र कहते हैं, और नीचे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ठीक है। तो ये नीचे हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है इनसे जो नदियाँ निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो गया हमारा। देखिए नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये जो कुछ नदियाँ ये हमारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। वहीं अगर हम बात करें तो इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये हमारे हिमालयी नदी तंत्र के भाग हैं। तो इसको दो भागों में हम बांट के बात करेंगे। पहला भाग देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरह नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो अगर नदी तंत्र की हम बात करें तो इसको हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे, ठीक है। पहला होगा हमारा हिमालयी नदी तंत्र, ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित करके देखेंगे हम दोस्तों। अब बात करते हैं कि नदी तंत्र आखिर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों कोई नदी तंत्र कैसे करके निर्मित होता है। दोस्तों नदी तंत्र कहला जैसे जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए, ये हमारी सिंधु नदी तंत्र है, तो ये मुख्य नदी है हमारी, ठीक है, ये मुख्य नदी है हमारी ये, और इसमें बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं, मतलब एक क्षेत्र विशेष से जो भी प्रवाहित जल होता है वो उन जल का संग्रह करती हुई ये नदियां आती हैं, और इसी पूरे भाग को इन्हीं सब नदियों के मिलने से जो तंत्र का यानी कि जो जाल का निर्माण होता है उसी को हम नदी तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम हिमालयी नदी तंत्र की अगर बात करें तो इसमें हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए हिमालयी नदी तंत्र को हम कैसे करके डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपका
तीन भागों में बट के होता है। देखिए, पहला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। आज का वीडियो दोस्तों आपको इसी पे है, सिंधु नदी तंत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये तीन भागों में बांट के आपको नदी तंत्र का अध्ययन, हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद हम आएंगे प्रादीपी नदी तंत्र में। देखिए दोस्तों, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए ये आप देख लीजिए, इसमें हिमालयी नदी तंत्र में तीन नदियां प्रमुख आपको दिख रही हैं। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया आपका, ये गंगा नदी तंत्र हो गया, और ये आपका जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तो दोस्तों, तीन भागों में बांट के हम हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, उस पर हम अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंधु नदी के विषय में अगर हम बात करें, तो सिंधु नदी के बारे में देखें हम, तो सबसे पहले इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा अधिक है, और वो है हमारी 2880 किलोमीटर। ये फैक्ट आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की लंबाई, तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, ठीक है। और कुल लंबाई इसकी 2880 हो गई। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर भारत में पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी, यानी कि भारत में ये कितनी लंबाई में प्रवाहित होती है, तो अगर भारत में की बात करें तो भारत में ये 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर भारत में पूछा जाए तो 1114, और अगर कुल लंबाई पूछ ली जाए आपसे तो 2880, ठीक है दोस्तों। तो और इसके देखिए, ये एग्जाम है आपका ऐसा है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं उन्हीं बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा इसमें, मतलब जो आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। तो हम जितना आपके लिए हो सकेगा बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके उद्गम स्थल की हम बात करें, तो कैलाश श्रेणी का आपने शायद नाम सुना होगा, ये तिब्बत में आपके पास कैलाश श्रेणी में, यानी कि इस एरिया में कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील का भी नाम आपने शायद सुना हो। तो मानसरोवर जो झील है, उसके पास में एक हिमनद पड़ता है, वो है सिंगी खम्मान नाम का हिमनद। तो ये आपका है सिंगी खम्बान, तो ये आपका एक ग्लेशियर है, ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो सिंगी खम्बान नाम के ग्लेशियर से ये आपकी सिंधु नदी निकलती है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये कराची के पास आपका अरब सागर में जाके विसर्जित हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये कराची के पास क्षेत्र है, यहीं पर ये अरब सागर में जाके अपना जल छोड़ देती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब ये हमने इसका जान लिया कि उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ गिरती है, कितनी लंबाई है, क्या। अब दोस्तों देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना और आवश्यक है कि सहायक नदी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सहायक नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो नदी तंत्र होता है ना, उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक होती है मुख्य नदी और एक होती है सहायक नदी। अब कौन सी मुख्य नदी कहलाती है, कौन सी सहायक नदी कहलाती है, तो देखिए इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ ये इंडस रिवर है, यानी सिंधु नदी जो आपकी ये है, और उसकी सहायक नदियों की हम बात करें, तो इसकी सहायक नदियाँ देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इसकी पांच आपकी सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। हालांकि इसकी सहायक नदियां और भी हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इन्हीं का अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस साइड से भी आपके कुछ नदियां आके यहाँ पर मिलती हैं। हम एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, हम देखते हैं कि सहायक नदी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, एक होती है हमारी मुख्य नदी, मान ली ये आपकी मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है। अब इस क्षेत्र में भी कुछ नदियां हैं, वो आके यहाँ पर अपना जल इसमें मिला देती हैं दोस्तों। तो ये जो नदी आई, इसने अपना जल इसमें विसर्जित कर दिया, और इसके बाद जो नदी इसका ये जो जल है ना, इसके साथ ही बहने लगता है। तो ये जो आपकी जो नदी है ना, जिसमें इसने इस वाली नदी ने आके, यानी कि मान लीजिए ये ए नदी है, ये बी नदी है, तो ए नदी में बी नदी में जो अपना जल विसर्जित किया और इसके साथ ही मिलकर बहने लगी, तो जो बी रिवर होगी वो कहलाएगी आपकी मुख्य नदी, ठीक है, और ये आपकी कहलाएगी सहायक नदी। तो यही सहायक नदी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मुख्य नदी में जो नदी आके अपना जल विसर्जित कर देती है और उसके साथ साथ फिर बहने लगती है,
तो वही आपकी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो झेलम अगर हम बात करें सिंधु नदी के विषय में, तो ये इसकी पांच हमारी सहायक नदियाँ हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। चलिए अब एक एक करके इसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए झेलम के अगर बारे में हम बात करें, तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका वो है शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग झील, ये आप यहाँ का इसका उद्गम स्थल है, शेषनाग झील से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, और इसके पास एक बहुत ही प्रमुख नगर भी है, श्रीनगर, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों देखिए, शेषनाग झील से ये निकलती हुई यहाँ पर प्रवाहित होती हुई, ठीक है, जाती है, और ये त्रिम्मू एक जगह है, त्रिम्मू, ये चीजें आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, त्रिम्मू नाम की जगह है, इस यहाँ जाकर ये चेनाब नदी से मिल जाती है, यानी कि झेलम चेनाब नदी से कहाँ पे मिलती है, त्रिम्मू। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको बेरीनाग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शेषनाग झील से निकलती है और ये चेनाब से कहाँ पे मिलती है, जाके त्रिम्मू में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट जो आपकी नदी है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपकी नेक्स्ट जो रिवर है वो है चेनाब रिवर। ठीक है दोस्तों, और चेनाब रिवर के अगर हम बारे में उद्गम स्थल के देखें, तो इसका बारालाचा पास जो आप है वहां से ये निकलती है। ठीक है, तो ये बारालाचा पास, यानी कि बारालाचा दर्रा जो आपका है वहां से ये नदी निकलती है। और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी कुल लंबाई जो भारत में जितनी इसकी लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर, यानी 1180 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है दोस्तों। नेक्स्ट हम नदी देखते हैं हमारी रावी। रावी रिवर के बारे में हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो रावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपकी कुल्लू हिल्स से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कुल्लू हिल्स, कुल्लू की पहाड़ियों से आपकी रिवर निकलती है दोस्तों। और ये कहाँ पर जाके चेनाब नदी से मिलती है, तो ये आपकी मिलती है रंगपुर में। तो ये रंगपुर नाम का एक स्थान है, यहाँ पर ये आपकी रंगपुर, यहाँ पर ये आपकी चेनाब रिवर से मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने जान ही लिया था त्रिम्मू जगह पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। अब ये जो चेनाब रिवर है, ये रंगपुर में आके यहाँ पर आपको रावी नदी से मिल जाती है। अगर रावी नदी की कुल लंबाई की बात करें, तो ये 725 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 725 किलोमीटर, आप इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा दोस्तों, ताकि आपको आगे रिविज़न करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिवर हम देखेंगे अपनी यहाँ पर, सतलुज रिवर, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है ये, और ये हमारी एक रह गई है ब्यास रिवर। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलिए ब्यास रिवर का बारे में अगर हम देखें, तो ये आपकी निकलती है रोहतांग पास। रोहतांग जो आपका दर्रा है वहां से ये निकलती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है रोहतांग पास। और यहाँ इसमें अगर इसमें भी अगर देखें, तो ब्यास कुंड नाम की जगह है, ब्यास कुंड, अगर स्पेसिफिक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आपकी देख लिया, तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास रिवर। ठीक है दोस्तों, और ये अगर हम देखें सतलुज नदी से कहाँ पे मिलती है, तो ये आपका जो स्थान यहाँ पे देखिए आप, सतलुज नदी से ये मिल रही है, तो ये सतलुज नदी से मिलती है आपकी हरिके नामक स्थान है। ठीक है, पंजाब में ये पड़ता है हरिके, हरिके नामक स्थान देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका सतलुज नदी से मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें, तो 470 किलोमीटर। इन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इन्हें नोट करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो अगर ब्यास नदी की बात करें, तो उद्गम स्थल इसका रोहतांग पास हो गया, और उसमें भी स्पेसिफिक लोकेशन ब्यास कुंड, यानी कि ब्यास कुंड से निकलती है, और वहीं ये सतलुज नदी से कहाँ मिलती है, तो हरिके में। ठीक है दोस्तों, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सतलुज रिवर की सहायक नदी कौन सी है, तो वो ब्यास, तो ब्यास सतलुज नदी की भी सहायक नदी हो गई और इसकी भी सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो ये सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है ये। ठीक है दोस्तों, अब हम सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं लास्ट आपसे। सतलुज नदी देखिए, तो ये सतलुज रिवर, इसमें आप देखिए सतलुज रिवर जो हमारी है ना, वो मानसरोवर जो झील आपको मैंने बताई थी, उसके ही पास में एक झील है रकस लेक। ठीक है, ठीक है, वहां से ये निकलती है। तो
तो आपकी रकस लेक से आपकी निकलती है सतलुज नदी, ठीक है। और ये जो सतलुज नदी यहाँ से आपकी निकलती है, इसकी अगर भारत में लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर भारत में ये प्रवाहित होती है। सतलुज नदी 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है दोस्तों। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताऊं, ये सब नदियाँ आके तो लास्ट में ये जो पॉइंट आपका बसता है, इस ये जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जितनी भी नदियाँ थे इनका सभी का जल और फिर सतलुज नदी, तो ये जो पॉइंट हो गया इसे कहलाता है पंचनद, पंच नद। तो ये जो आपका पॉइंट कहलाता है पंच नद, यहाँ जाके फाइनली सतलुज नदी इस धारा से भी पर मिल जाती है और एंड में जाके फिर इंडस रिवर से यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका पूरा नदी तंत्र था, इसको हमने अच्छे से अध्ययन किया, और ये जो इससे संबंधित फैक्ट थे वो आप अच्छे से अपने रिवाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाए। तो पंचनद नाम जो स्थान है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जाके ये फाइनली ये सब नदियाँ मिल जाती हैं पंचनद स्थान का, और फिर एंड में जाके ये इंडस रिवर से जाके मिल जाती हैं दोस्तों। और ये जो इंडस रिवर पे जाके जो मिलती हैं वो स्थान आपका है मिठानकोट, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है ये कहलाता है मिठानकोट कोट, और ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो ये मिठानकोट नामक स्थान पे सभी नदियां इंडस रिवर मिल जाती हैं, फिर बाद में ये प्रवाहित होती हुई कराची के पास आपकी जाके मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिठानकोट। अब ये जो दोस्तों मैप है इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो महत्वपूर्ण शहर आपके बसे हुए हैं ना इस रिवर के पास में, इंडस रिवर सिस्टम में, उसके देखिए तो श्रीनगर जो शहर है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। वही इंडस रिवर के बिल्कुल नज़दीक में कौन सा शहर है, लेह, ठीक है। और वहीं डैम चौक नाम का जो क्षेत्र है वो भी आपका इसी इंडस रिवर के पास में मिलता है। और ये सभी नदियां आपस जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां वो आके कहाँ पे मिलती हैं, मिठानकोट नामक स्थान पे जाके फाइनली इंडस रिवर में ये सारी धाराएं मिल जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपने आज इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से समझा, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, तो आपको अच्छे से इस टॉपिक पर कॉन्फिडेंस आ जाए और अब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।